हेलो एवरीवन वन इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम व्हिच इज आल्सो नोन एज एल आर यू एल्गोरिदम इन दिस द पेज व्हिच हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन मेन मेमोरी विल बी सिलेक्टेड फॉर द रिप्लेसमेंट जैसे हमने ऑप्टिमल के केस में देखा था ऑप्टीमल फ्यूचर में देखता है तो जो एल आर यू है एल आर यू पास्ट में चेक करता है कि सबसे Uh, जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है उसको हटा दो इट इज लाइक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लुकिंग बैकवर्ड्स इन टाइम तो ऑप्टिमल की तरह ही है बट ये बैकवर्ड में देखता है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे उससे ज़्यादा क्लियर होगा कैसे करना है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड वी आर एज्यूमिंग नंबर ऑफ फ्रेम्स टू बी थ्री सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग थ्री फ्रेम्स एंड एल आर यू टेक्निक सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि जो शुरू के तीन हैं उसको एंटर कर लेंगे एज़ इट इज़ सो सेवन ज़ीरो एंड वन एंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज़ थ्री उसके बाद आया हमारे पास टू अब देखिए इसमें हमें क्या चेक करना है जो पेज लीस्ट रिसेंटली यूज़ हुआ है उसको रिप्लेस करना है अब सेवन जीरो वन में से सबसे लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज़ है सेवन क्योंकि वन और टू तो रिसेंटली यूज हैं कंपेयर टू सेवन तो हम क्या करेंगे अब सेवन को रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा टू ज़ीरो वन देन कम्स ज़ीरो जीरो इज ऑलरेडी देयर सो नो पेज फॉल्ट उसके बाद आया हमारे पास थ्री अब देखिए थ्री के, के केस में हम टू ज़ीरो वन में देखेंगे कौन सा सबसे पुराना है जीरो और टू पहले यूज़ हो रहे हैं उसके बाद वन यूज़ हो उससे पहले वन यूज़ हुआ है तो इसमें वन को हम रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा टू ज़ीरो थ्री देन कम्स जीरो इज़ देयर सो नो पेज फॉल्ट उसके बाद आया फोर अब फोर के लिए हमें देखना है कि टू जीरो थ्री में से हम किस को रिप्लेस करें देखिए ज़ीरो थ्री रिसेंटली यूज है टू उससे पहले यूज हुआ है तो अब हम टू को रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा फोर ज़ीरो एंड थ्री उसके बाद आया हमारे पास टू सो फोर ज़ीरो एंड थ्री में से अगर हम देखेंगे तो थ्री जो है वो लीस्ट रिसेंट है तो अब हम रिप्लेस कर देंगे इसे तो फोर ज़ीरो एन टू न कम्स थ्री सो थ्री क्या हो जाएगा अब फोर टू रीसेंटली कंपेयर टू जीरो सो फोर थ्री एंड टू जीरो से रिप्लेस कर दिया हमने उसके बाद आया जीरो आउट ऑफ फोर थ्री एंड टू इफ इज सी फोर इज द लीस्ट रिसेंट सो जीरो थ्री एंड टू देन कम्स थ्री थ्री इज ऑलरे देयर्स ऑन नो पेज फॉल्ट टू टू इज ऑलरे देर ऑन नो पेज फॉल्ट देन कम्स वन अब अगर हम देखेंगे तो टू और थ्री रिसेंट है ज़ीरो रिसेंट है सो वन थ्री एंड टू देन कम्स टू टू इज़ ऑलरेडी देर नो पेज फॉल्ट ज़ीरो नाउ इफ यू सी वन एंड टू आर रिसेंटली यूज कंपेयर टू थ्री सो वी विल रिप्लेस इट विद थ्री सो वन जीरो एंड टू देन कम्स वन वन इज़ ऑलरेडी देर सेवन If you see out of 1, 0, and 2, 2 is least recently used. So replace it with this 1, 0, and 7. 0 is already there, 1 is already there. So this is the complete solution using least recently. And the number of page faults are 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, number of page faults in this question is twelve. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on operating system and other computer science related subjects. Thank you.